दो मिनट में थिन क्रस्ट पिज्जा कैसे, आइए जानते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं खाखरा। हाँ जी, खाखरा बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी फ्लेवर लीजिए। ये अंदर से ऐसे सील पैक होता है, केयरफुली दो पीस खाखरा के आप निकाल लीजिए और पहले से ही सारा सामान रेडी करके रख लीजिए। यहाँ मैंने लिया है एक प्याज और उसकी पेटल्स को अलग अलग कर लिया छोटे छोटे, शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया, टमाटर के बीज निकाल के उसको क्यूब्स में काट लिया और कॉर्न्स को बॉईल कर लिया। साथ ही ली है पिज्जा पास्ता सॉस और मेयोनीज और साथ में मोजरेला चीज जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप क्यूब भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे दानेदार वाला चीज लिया है। मेयोनीज से आपका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी होगा और पिज्जा पास्ता सॉस से टैंगीनेस आएगी। चलिए बनाएं। सबसे पहले लेंगे एक बेस और उसके ऊपर फैलाएंगे मेयोनीज। मैंने यहाँ पर प्लेन मेयोनीज ली है, आप तंदूरी मेयोनीज या हर्ब्स मेयोनीज भी ले सकती हैं। इसे अच्छी तरफ से सारी तरफ से घुमाते हुए केयरफुली सारे खाखरा पे अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बना रही हूँ डबल लेयर खाखरा पिज्जा, क्योंकि खाखरा होता बहुत पतला है और इसके ऊपर वेट ज्यादा डले तो ये टूट भी जाता है, इसलिए हम इसे डबल लेयर करेंगे ताकि फ्लेवर भी दोगुना आए और ये टूटे भी ना। अब सेकेंड पीस ऑफ खाखरा पर भी हम पिज्जा पास्ता सॉस को अप्लाई करेंगे केयरफुली, सारी तरफ से इसे घुमाते हुए इजिली स्प्रेड करते जाएंगे। आप इसे ब्रश की सहायता से ही स्प्रेड कीजिए, अगर चम्मच की सहायता से करेंगे तो ये टूटेगा ही टूटेगा। अब आई इसको टैक करने की बारी, तो हम मेयोनीज वाले खाखरा पिज्जा के ऊपर पिज्जा पास्ता वाला अप्लाई कर देंगे। देखिए ये कॉम्बो कितना अच्छा लगेगा, ये जुड़ गया है। अब चारों तरफ से घुमाते हुए जो चीज है उसे खाखरा के ऊपर फैलाएंगे। अरे पिज्जा का टेस्ट तो तभी अच्छा लगता है जब वो चीजी चीज हो। हाँ जी, तो इस तरह से हम चीज को फैलाते जाएंगे, सेंटर में भी फैलाएंगे। आप देखते जाइए आगे क्या होता है। लो, हमारा चीज तो स्प्रेड हो गया। अब बारी बारी हम सभी सब्जियों को इसके ऊपर रखते जाएंगे। मैंने यहाँ रखा है अनियन की पेटल्स, अब मैंने रखे टमाटो के क्यूब्स, हर तरह की सब्जी आप डालते जाइए और देखिए इसकी रंगत कितनी बढ़ती जाएगी। ये आ गई शिमला मिर्च, आप तीनों रंगों की शिमला मिर्च को भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने डाले कॉर्न्स, कॉर्न्स को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था और हल्का सा इसे स्क्वीज भी कर लिया था। देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है ये थिन क्रस्ट पिज्जा, और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एंड में आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज और स्प्रेड कीजिए। और करना कुछ नहीं, हम इसे करेंगे माइक्रोवेव। जी हाँ, हम इसे करेंगे सिर्फ दो मिनट के लिए माइक्रोवेव। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है तो आप पैन के ऊपर रखकर भी अपने खाखरा पिज्जा को सेक लगा सकते हैं। आपने करना क्या है, बस लो फ्लेम के ऊपर अपने पैन को ऑन करना है, उसके अंदर खाखरा पिज्जा को रखकर ढककर इसे सिर्फ दो मिनट के लिए पकाना है, तो भी आपका खाखरा पिज्जा रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इतना इजी स्नैक है, जब भी आपको छोटी छोटी भूख लगे या आपके बच्चे कभी भी झट से कुछ मांग लें तो ये खाखरा पिज्जा आप विद इन अ मिनट और विद इन टू मिनट्स आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हेल्दी भी है और कलरफुल भी है। इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और चाट मसाला, ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने सब्जियों में नमक नहीं डाला था, तो आप बाद में चाट मसाला डाल सकते हैं। अब करेंगे इसे कट और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए चीज कितना अच्छा लग रहा है और सब्जियां भी ढेरों हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।